प्यारे दर्शकों, खबर ते विचार प्रोग्राम लैके तुहाडी सेवा च हाजिर हाँ। मेरे नाल साथ दे रहे ने सरदार जसपाल सिंह जी हेरा, मुख संपादक रोजाना पहरेदार। प्रोग्राम शुरू करन तो पहला आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहब, जिवें कि आपां देखदे हां कि कुछ मुद्दे ऐसे ने सियासत दे विच जिन्हां नूं सियासतदान अपने मौके दे हथियार वजों वरतदे ने। बिल्कुल। और जदों लोड़ पैंदी आ तां उहनां नूं उह बयानां दा राग लापण लग पैंदे ने, ते लोकां नूं, देश दी जनता नूं जां सूबे दी जनता नूं इक वारी फिर अपने गर्मा गर्म बयानां दे विच भरमाउण दी कोशिश करदे ने, फसाउण दी कोशिश करदे ने। उहनां विचों इक मुद्दा पाणियां दा मुद्दा, पंजाब, क्योंकि पंज पाणी धरती आ, पंजाब दा नौं ही पंज दरियावां दे नौं ते रख्या गया। और बड़े लंबे समय तो पंजाब के पानिया तो दूजे सूबे ने जिहड़े केंद्र सरकार समेत डाका मारन की कोशिश करते रहे, और पंजाब के आगुआ ने भी इस मुद्दे नूं एक सियासी मुद्दा बना के रख रहा है। और पिछले दिन जिहड़ी उमा भारती आ भाजपा की आगू आ, उहदे वल्लों पंजाब के पानिया बारे दिता हुआ बयान कि इहनूं 45 दिनां विच हल करांगे, और उहदे विच जवाबी कार्रवाई करदिआं जिहड़े पंजाब के आगू ने उन्होंने भी जिहड़ी आ इह कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा हैगा उहदे वल्लों दिता गया कि जेकर पंजाब की एक बूंद पानी गया तो पंजाब का माहौल खराब हो सकता। इस बयानबाजी नूं जिहड़ा माहौल खराब कर रही है, ये बारे तुसीं की कहना चाहोगे? परमजीत सिंह जी, जिस तरह तुसीं गल कीती आ कि जिहड़े सियासतदान ने उन्होंने हर मुद्दे नूं अपनी सियासत की वोट राजनीति की ऐनक तो देखना आता, तो उस मुताबक ही उन्होंने बयानबाजी आती है, उस मुताबक ही उन्होंने वो स्टैंड हों। सो ये जिहड़ा पानिया का मुद्दा, ये पानिया का मुद्दा पंजाब लई तां जीवन मौत का सवाल है, परंतु दूसरे पास जिहड़े सियासतदान आ उन्होंने वोट राजनीति का, उन्होंने बयानबाजी का मुद्दा हो सकता है। जिस तरह उमा भारती आ जिहड़ी ये विभाग की केंद्र की मंत्री आ, उन्हें हरियाणे के मुख्यमंत्री वालों जिहड़े पानिया की मांग की गई है, सतलुज जमुना लिंक नहर की उसारी मुकम्मल करने की मांग की गई है, हरियाणे लिए होर पानी की मांग की गई है, उहदे ते टिप्पणी करदे उन्हें आख्या भी असी इस मसले नूं जल्दी हल कर लाँगे। उन्हें तो मतलब यह किया कि 45 दिनों के अंदर अंदर असी इहदा रोड मैप तैयार कर लाँगे, तो हरियाणे नूं उहदे हक आ जिहड़े उह दित्ते जाणगे। सो उहदे जवाब दे विच जिहड़ी गल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है, क्योंकि जे असी यह देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ी ठोस गल कीती है कि यह मामला जिहड़ा पंजाब दे पानिया दा, ये इस वेले सुप्रीम कोर्ट दे विच पेंडिंग पिया वा। बिल्कुल जी, ठीक है। क्योंकि जिहड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट दे विच पेंडिंग पिया वा, उहदे बारे मतलब कह देना कि असी 45 दिनों दे विच इहनूं हल कर लवांगे, 45 दिनों च इहदा रोड मैप सामने आ जूगा, वह सिर्फ तो सिर्फ बयानबाजी है, इस तों अगे कुछ नहीं। सो मैं ये गल समझदा कि जदों तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच पेंडिंग पिया, पिछले 11 सालों तो पेंडिंग पिया वा, तो फिर इस मुद्दे नूं बार बार उछालना हरियाणे वालों, मैं ये सिर्फ तो सिर्फ एक राजनीतिक खेड है, इस तो अलावा कुछ नहीं। हुण जे असी इस मुद्दे दे पिछोकड़ जाइए, सतलुज जमुना लिंक नहर के पिछोकड़ जाइए कि किस तरह खुद प्रकाश सिंह बादल ने ये इस नहर की उसारी दे लई पैसे लए सी हरियाणे तो, ठीक है जी। ते उस तो बाद जदों सुप्रीम कोर्ट वालों भी इस दे बारे च जिहड़ा फैसला आया सी, उस दे उस फैसले नूं रोकण दे लई 2004 च, जुलाई 2004 च कैप्टन अमरिंदर सिंह दी उस वेले सरकार सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों पंजाब विधानसभा दा एक विशेष अजलास सद के वो जिहड़ा मता पास किया गया सी कि पंजाब आ जिहड़ा उहदे कोल फालतू पाणी नहीं, सो वह आने वाले समय दे विच कोई नवां समझौता वा जिहड़ा पाणियां बारे करन दे समर्थ नहीं। सो जदों तक उस फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट 2004 दे उस फैसले नूं, पंजाब विधानसभा दे फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट विच चैलेंज किया होया, पंज जजां दा जिहड़ा विधानक बैंच आ उहदे कोल उह केस है जिहड़ा कि हाले सुनवाई लई नहीं लग्या, ठीक है जी। तो फिर इस बारे बार बार इस मुद्दे नूं उछालना, मैं समझदा कि जिस तरह मैं पहला भी गल की है कि बयानबाजी है, इस तों अलावा कुछ नहीं। जदों तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे ते अपना कोई फैसला नहीं देती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस गल नूं समझदी आ कि रिपेरियन राज नहीं हैगा हरियाणा, ठीक है जी।
हरियाणा वा जिहड़ा और पंजाब के दरियावां लई रिपेरियन राज नहीं है, तिना दरियावां जो कोई दरिया जिहड़ा हरियाणे दे नेड़े दी नहीं लंघदा। सो हरियाणा जिहड़ा वो इस पानी ते किसे तरह बंदा भी अपना दावा नहीं कर सकता, जिहड़ा पहला भी वह पानी लै रहा वह भी धक्के नाल आ, वह भी पंजाब तो धक्के नाल पानी आ जिहड़ा हरियाणे नूं दित्ता जा रहा, तो पंजाब दे बहाणियां ते हरियाणे का कोई हक नहीं। सो ये गल सुप्रीम कोर्ट भी समझदी आ, परंतु क्योंकि हुण वो असीं समझदे आ कि वो मसला वा जिहड़ा वो न्यायालय का मसला वा, उहदे ते टिप्पणी करनी कई बार औखी हो जाती है, तो इस करके ये 11 साल तो मामला वा जिहड़ा वो अदालत पेंडिंग पिया वा, उहदे बारे कोई फैसला नहीं आ रहा। सो ये उमा भारती वालों ये कहा जाना जा जिहड़ी देश की मोदी सरकार आ उहदे वालों बार बार ये कहा जाना कि असी सारे देश के दरिया ने जिहड़े इन्हां नूं जोड़ दांगे, इस तों पहला भी इन्होंने किया 17 जिहड़े नॉर्थ इंडिया के ते 24 ने जिहड़े वह अपने साउथ इंडिया के, वो उन्हां दरियावां दी उदों भी उन्हां दरियावां दी गल की गई सी जिहड़े रिपेरियन एक्ट के अधीन आउंदे ने, ठीक है जी, जिहड़े एक दूसरे द सूबे दे विचों लंघदे ने उन्हां दरियावां दे जोड़न दी गल उस वेले होई सी, परंतु हुण इस मसले नूं बार बार जिहड़ा कुरेदिया जा रहा वा उहदे विचों सवाए मैं समझदा कि क्योंकि इह गंभीर मसला वा, पंजाब दे जीवन ते मौत दा मसला वा, इहनूं बार बार कुरेदना वा, जिहड़ा जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गल कीती है कि जे इस मसले नूं बार बार कुरेदोगे, पंजाब दे पाणियां नूं खोण दी गल करोगे, तां पंजाब दा माहौल आ जिहड़ा उह जरूर खराब होऊगा, इहदे विच दो रहवां नहीं। देखो इक गल तां उभर के सामने आ कि आप देखते हैं कि साड़ी श्रोमणी अकाली दल की जी भाईवाली आजपा के नाल हैगी है, पर केंद्र में भाजपा की सरकार आ, और फिर बार बार भाजपा वालों अकाली दल को यह डरावा क्यों, यह डरावा ही कहा जा सकता है, क्यों दिता जा रहा है? नहीं उस भाजपा की हरियाणे की सरकार आ, भाजपा जी देखो अकाली दल आ जिहड़ा उहदी 13 मैंबर पार्लीमेंट ने पंजाब तो, ठीक है जी, ठीक है। दूसरे पासे ये आ कि सिख ने जिहड़े वो इस देश की घट गिणती आ, तीसरे पासे ये आ कि जिहड़ा भगवा ब्रिगेड आ वो बार बार ये कह रहा कि सिख धर्म आ जिहड़ा वो हिंदू धर्म का अंग आ, फिर इन्हां लोकां तो मैं समझदा कि जिस तरह तुसीं गल कीती आ कि ये इन्हां ने हमेशा पंजाब नाल धक्का कीता वा, सिखां नाल वितकरा बेइंसाफी कीती आ, सो वो इन्हां दे खून दे विच रचिया होया, इन्हां दी सोच दे विच रचिया होया, उहनूं ये बाहर नहीं, उहतों ये बाहर नहीं आ सकदा। तुहाडे कहण दा भाव है कि भावें भाईवाली है पर ये सखी नहीं है? नहीं, वह भाईवाली तो स्वार्थ की आ, सिर्फ सियासत तो सत्ता की स्वार्थ की भाईवाली है, इस तो अगर कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। एक होर जी सब तो वड्डी खबर है कि हुण पंजाब दे किसानां वास्ते भी जां समुचे देश विच किसानां वास्ते जिहड़ा पैन नंबर है वह जरूरी कर दिता गया, और इस नूं तुसीं किस एंगल तो देखते हो? देखो जिहड़ा इन्होंने इस वेले पैन आ जिहड़ा कि जिहड़ा बंदा 18 साल तो उपर है उहदे लई पैन कार्ड आ जिहड़ा जरूरी आ, इन्हां ने टीचा जिस तरह वो पहला बैंक खाते खोलण दा एक टीचा मिथलिया सी कि असीं इन्ने करोड़ खाते खोलणे आ जी, हुण उसे तरह का एक टीचा मिथलिया कि असीं इन्ने पैन कार्ड ने जिहड़े वो बनाउणे ने जी, वो सिर्फ तो सिर्फ एक जिहड़ी जिस तरह कि एक सरकार दीआं मतलब प्राप्तियां वाले खाते च कि असीं देश दे इन्ने लोकां नूं पैन कार्ड देते, इन्न नूं आधार कार्ड देता, इन्न दे बैंक खाते खोलते, सिर्फ वो प्राप्ति दे विच इस गल नूं थोक च लैके आंदा। जिथों तक गल असीं किसानां दे पैन कार्ड की करते हैं कि जो पैन कार्ड आ उहदे नाल इह आ कि 1 लाख की जिहड़ी अदायगी आ नकद अदायगी आ जिहड़ी वो नहीं, 1 लाख तो वध दी नकद अदायगी आ जिहड़ी वो नहीं हो सकदी, परंतु क्योंकि खेतीबाड़ी है जी इनकम टैक्स तो बाहर आ, खेतीबाड़ी का इनकम टैक्स के नाल कोई संबंध नहीं। सो ज्यादा यह आ कि सरकार की बद नीति आ कि कितने ना कितने वो ये सोच रही है कि खेतीबाड़ी भी इतने मैं एक गल ऐड करनी चाहना कि जोड़े साढ़े मुलाजम भरा ने अगे वह खेतीबाड़ी जी आमदन से टैक्स तो राहत मिलती से उस पर हूँ जोड़ा वा आमदन कर विभाग ने यह जी राहत से वो खत्म कर दिती है, और जेकर सारे जो किसान ने वह अपना पैन कार्ड बनाते हैं तो कुदरती गल आ भी उन्होंने अपना पैन नंबर देना पेगा, तो वो आमदन कार्ड जो विभाग आ उसके घेरे में जरूर आवगे, और उन्होंने जेकर 1 लाख तो वह अदायगी होंगी होनी होंगी आ, कुदरती गल आ कि उन्होंने फसल है तो होनी, मतलब तुहाडे मेरे कहने भाव यह है कि इस राही मोदी सरकार जी किसानों भी अपने
आमदन टैक्स के खेत लिया रही है। बिल्कुल, जिहड़ा किसानां वल्लों खालसा प्रगटाया जा रहा है वो सिर्फ यही आ कि मोदी सरकार किते ना किते ये सोच रही है कि किसानां नूं जिहड़ा आमदन कर इहदे घेरे च लिआंदा जावे, उन्हां दी फसल आ जिहड़ी जे 1 लाख तों वध दी बिकदी आ, जे वह जमीन 1 लाख तों वध दी वेचदे ने जां खरीदते ने, सो ये जिहड़ा सारा मसला है वा जिहड़ा बड़ा गंभीर मुद्दा, इहदे बारे किसान जथेबंदियां ने वित्त मंत्री अरुण जेतली नाल भी ते प्रधानमंत्री मोदी नाल भी उन्होंने वखो वखरे वफदा ने उन्हों तो पूछा भी दसो थोड़ी मानसा की आ, तुम चाहते की हो, परंतु क्योंकि हाले तक इस गल का कोई मतलब स्पष्ट जवाब नहीं है। उन्होंने गोल मोल जिहड़ा अरुण जेतली ने भी किसानों गोल मोल जिहा जवाब दिता वा, तो उस तो बाद आने वाले दिनों के पैन कार्ड स्कीम आ जी किन्नी क असरदार ढंग ना लागू होंगी आ, तो किसानों इस योजना के थले लिया के उन्होंने आमदन के नाल की वतीरा बनाया जाता वो हाले मैं समझा कि देखने वाली गल आ। जे अजिहा कुछ हों देश दे विच एक बड़ा अंदोलन आ जिहड़ा वो खाम खा खड़ा कर दिता जाऊगा। बिल्कुल ठीक है जी, तुहाडी गल ये अगली जिहड़ी खबर आ वो जिहड़ा साडा बहुत चर्चित बिल भाजपा सरकार वल्लों लिआंदा गया सी जमीन प्राप्ति वाला बिल, भावें वह बिल भाजपा की बहुमत ना होने करके राजसभा में लटक गया सी और उहदी जिहड़ी आ म्याद कल 5 अप्रैल नूं खत्म हो रही है, और उस मद्देनज़र भाजपा ने एक नवा जमीन प्राप्ति वाले जिहड़ा बिल अज पेश करता और राष्ट्रपति ने उहनूं मंजूरी दे दित्ती है, इहदे बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो क्योंकि ये गल बिल्कुल साफ आ कि भाजपा जिहड़ी हाले दो साल दे विच जिहड़ियां 6 थावां ते 6 सूबियां दे विच वख-वख थावां ते विधानसभा चोणां होणगियां, उन्हां चोणां च भाजपा की चंगी कारगुजारी रहिंदी आ, ते उस तों बाद हो सकदा कि राज्यसभा च बहुमत वल तुरे, ये मतलब हले समय के मतलब हैगा गर्भ दे विच गल कि भाजपा की कारगुजारी उन्हां सूबियां विच की हुंदी आ की नहीं हुंदी। सो राज्यसभा दे विच भाजपा दे लई बहुमत प्राप्त करना ये मैं समझदा कि बहुत टेढ़ी खीर आ, ते फिलहाल ये लगता कि ये बहुत बड़ा टीचा जिहड़ा सर करना सौखा नहीं। सो इस कारण भूमि प्राप्ति बिल आ जिहड़ा ये लोग सभा चो जिन्नी वेर मर्जी पास कर लवे राज्यसभा च पास होण दी इहदी कोई संभावना नहीं, जिस तरह इस वेले विरोधी धिर इहदे विरुद्ध खड़ी हो गई आ। सो दूजे पासे जिहड़ी असीं बार बार एक गल देख रहे हां कि भाजपा ने जिहड़े वादे अपने उन्हां सनती घराणियां नाल कीते हुए ने अंदर खाते जिहड़े वादे सनती घराणियां नाल कीते गए सी उन्हां दी भी वह पूर्ति करनी चाहुंदी आ, वह उन्हां दा गल फड़दे आ कि आज साढ़े ना वादा किया इसनों क्यों नहीं पूरा कर रहे। सो वो भूमि प्राप्ति बारे उन्होंने अखीर में फिर जिहड़ा पहला हथियार सीगा कि आर्डिनेंस पास करके राष्ट्रपति को भेजता, राष्ट्रपति ने उन्हें पास करता ताकि 6 महीने के लिए यह जिहड़ा काम आ चल जाए, उस तो बाद फिर अगली स्थिति आऊगी फिर दोबारा लोग सभा आऊगा, लोग सभा द्वारा पास करूगी, तो वो जिहड़ा जिस तरह का देश का विधान आ जिहड़ा फिर राज्यसभा की मजबूरी बननी है एक समय। सो भाजपा उस लाइन पर है जिहड़ा चल पी है। सो आने वाले दिनों भूमि प्राप्ति बिल आ जिहड़ा एक पासे अज अमित शाह ने मतलब बंगलौर च जिहड़ी इन्हां दी कार्यकारी की मीटिंग हो रही है उस च कहा कि 20 साल असी किते नहीं जांदे, ठीक है जी। दूसरे पासे ये जिहड़ा भूमि प्राप्ति बिल आ इहनूं वो धक्के नाल लागू करना चाहुंदे ने। सो ये सारा कुछ हुण देखण वाली गल आ कि भाजपा इस बिल नूं किवें ते किवें आम लोग इहनूं हजम करन, विरोधी धिरां इहनूं हजम करन, इहदे विच की सोधा लिआउंदी आ की सोधा नहीं लिआउंदी। जे इहनूं इसे रूप चों लागू करना चाहुंदी आ तां जिस तरह जी पहलां गल कीती आ पैन कार्ड वाले नंबर ते सारियां विरोधी धिरां क्योंकि इकजुट ने, बिल्कुल अज की स्थिति से भूमि प्राप्ति बिल के विरोध सारिया विरोधी धिर एकजुट ने, तो आने वाले समय के भाजपा के लिए एक खतरनाक जी कह दिए कि वो तिलकण वाला जो मुद्दा वा वो बन सकता। ठीक है जी, अगली जी खबर है जिमें आप देखा कि पिछले दिन डीजल जोड़ा वो 1.21 रुपये प्रति लीटर घटिया वह रेट जोड़ा है और पेट्रोल जोड़ा 59 पैसे लीटर घटिया, और पर इस बावजूद जिस दिन यह ऐलान किया खबर आई कि दोनों के रेट घटे ने, तो उस दे नाल ही खबर यह कि बस किराया में वाधा कर दिता गया। जदों प्रकाश सिंह बादल नूं साडे मुख्यमंत्री जी नूं पुछया गया तो उन्होंने इस बारे बड़ी अणभिजता जाहिर की कि मैनूं तां इस बारे पता ही नहीं कि बस किराए कदों वध रहे हैं, तुसीं इस बारे की कहना चाहुंदे हो? परमजीत सिंह जी देखो बादल की जिहड़ी कार्यशैली आ हुण तक दी उहदे बारे सारे जाणदे ने कि वह जदों भी कोई इस तरह का गंभीर मुद्दा आ जाता जां कोई गंभीर दोष सरकार ते जां उहदे ते लगता वो पूरी तरह मचला बन जाता।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਮਛਲੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੂ ਬਹੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ 21 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ 80% ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੱਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਰਸਤਾ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਕਦੀ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ 12-13 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 24 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ 24 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾ ਉਸ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ 1914 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼, ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ, ਠੀਕ, ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 29 ਮਾਰਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, 29 ਮਾਰਚ 1914 ਨੂੰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਤਲਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ।
ਸੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ 4 April 1914 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 April 1921 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨੇ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 4 April ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1921 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਆ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੂਗਾ, ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਲਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਜਾਂ ਚੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਕਾਲੀ ਪੱਗ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਅੱਗੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਊਗਾ। ਸੋ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ@gmail.com 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।